चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल तुलना कर रहे थे। ये है फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का अंदाज। चुनावी अभियान के दौरान योगी के जिन बयानों की सबसे ज्यादा चर्चा रही, सबसे पहले आप वो सुनिए। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी, बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम एक नया नाम पढ़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश, तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था, वह देश तोड़क जिन्ना की तुलना जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, यह वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं। तो उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। चुनावी अभियान के दौरान योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम से पूरब तक अखिलेश पर आरोप लगाते हुए सीधे प्रहार किए। अखिलेश की तरफ से पलटवार किया गया, लेकिन जनता ने अपना जनादेश योगी को दिया। आज तक ब्यूरो।